राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले सियासतदानों के निर्णय का अंबार लग गया है। कोई फैसला अपने हक में आने की दुहाई दे रहा है तो कोई कह रहा है कि अध्यादेश और प्राइवेट मेंबर बिल के जरिए मंदिर बनेगा, तो तीसरी जमात का सवाल है कि मंदिर अयोध्या में नहीं तो और कहां बनेगा। राम मंदिर निर्माण पर सांसद राकेश सिन्हा के प्राइवेट मेंबर बिल लाने की तैयारी ने अब ये सवाल भी खड़ा कर दिया है कि इसकी वैधानिकता कितनी है। क्या ये वाकई सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पहले ही राम मंदिर का रास्ता साफ कर सकता है? जवाब दे रहे हैं कानूनी जानकार। प्राइवेट मेंबर बिल जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं मिनिस्टर छोड़ करके, तो रूलिंग पार्टी के भी हों, अपोजिशन के हों या निर्दलीय हों, सब लोग प्राइवेट मेंबर बिल ला सकते हैं। जो प्राइवेट मेंबर बिल है उसका एक सेलेक्ट कमेटी को पहले रेफर होता है, उसके रिकमेंडेशन के साथ हाउस में प्लेस किया जाता है। एक बार अगर पारित हो गया तो फिर वो कानून जैसे नॉर्मल कानून है वैसा कानून बन जाता है। अगर इस प्रॉपर्टी के बारे में कोई बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है प्राइवेट रूप पर, तो वो देखना पड़ेगा उनकी भाषा कैसी है और इस स्टेटस को के आदेश जो सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कई बार किया है उसका क्या उल्लंघन होता है कि नहीं होता है। जी हाँ, कोई भी सांसद जो मंत्री नहीं है वो प्राइवेट मेंबर बिल ला सकता है। हालांकि सदन में बहस के बाद जरूरत पड़ने पर ही कानून बनाने के लिए उस पर वोटिंग होती है। लेकिन जहां तक संसद में अध्यादेश लाकर मंदिर निर्माण का रास्ता तैयार करने की बात है, तो ये विकल्प सरकार के लिए उतना आसान भी नहीं होगा। मंदिर का निर्माण की बात है, मेरे हिसाब से पार्लियामेंट इनकम्पिटेंट है इस पे लेजिस्लेट करने के लिए, क्योंकि ये मामला लंबित है कोर्ट में। इस एक तरह से ये इशू डिस्कस भी हो चुका है सुप्रीम कोर्ट में, और दोबारा उसी इशू को अब दोबारा कानून बनाने का तो कोई औचित्य नहीं बनता। तो ऑर्डिनेंस ला सकती है सरकार? ऑर्डिनेंस भी नहीं ला सकती, उसी तरह से ऑर्डिनेंस भी अगर जब कानून नहीं ला सकती तो ऑर्डिनेंस तो वही ला सकती है जिसमें कानून ला सकती है। अगर कानून ही नहीं ला सकती तो ऑर्डिनेंस लाने का तो कोई मतलब ही नहीं। दिवाली से पहले अयोध्या विवाद को लेकर हलचल इतनी बढ़ चुकी है कि धर्म गुरुओं में भी मतों का विभाजन चरम पर है। राकेश सिन्हा ने तो अभी सिर्फ प्राइवेट मेंबर बिल लाने की ही बात कही है, लेकिन पद्म भूषण हासिल कर चुके जगद्गुरु श्री राम भद्राचार्य ने तो मंदिर निर्माण की तारीख का ही ऐलान कर दिया। 6 दिसंबर तक 2018 6 दिसंबर तक कोई न कोई निश्चय हो ही जाएगा राम मंदिर का, निश्चिंत रहिए। कोर्ट ने तो जनवरी में टाल दिया है। कोर्ट की क्या होता है, क्या कोर्ट की हर बात मानी जाती है क्या? अब पता चलता है कि भारत का संविधान को कौन ज्यादा मानता है, कौन ज्यादा अहमियत देता है, भारत के कानून को कौन ज्यादा अहमियत देता है, ये साफ वाज़ेह हो जाता है। अयोध्या विवाद से जुड़े लोगों ने भी मंदिर निर्माण पर गुपचुप वैकल्पिक तैयारी को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। इन्हें भी इंतजार कोर्ट के फैसले का ही है। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि में राजनीति करने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट का है और कोर्ट में फैसला कोर्ट को करना है, सबूतों के आधार पे करना है, जो कोर्ट करेगा वही माना जाएगा। इस बिल को जल्दी से जल्दी इनको पेश कर देना चाहिए और जैसे ही सत्र शुरू हो तैसे इसको पारित कर दे सरकार। यह यदि आता है तो बहुत अच्छी बात है, हम इसका स्वागत करते हैं राकेश सिन्हा जी को। सवाल मंदिर निर्माण को लेकर अचानक उठे ज्वार को लेकर भी है कि कहीं इसका ताल्लुक 5 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव से तो नहीं है, कहीं धार्मिक भावनाओं को भी मुद्दा बनाने की कोशिश तो नहीं हो रही है। अयोध्या से बनवीर सिंह, जौनपुर से राजकुमार सिंह और दिल्ली से संजय शर्मा के साथ। उत्तर प्रदेश की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए आप यूट्यूब पर जाकर यूपी तक ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें फेसबुक पर लाइक भी कर सकते हैं और ट्विटर पर फॉलो भी।